मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। बीजेपी के घोषणा पत्र पर राहुल गांधी का वार, कहा इसमें है एक व्यक्ति की आवाज। योगी आदित्यनाथ बोले मायावती को मुसलमान, बाकी के वोट हमें चाहिए। कश्मीर में अलग PM की बात होगी तो धारा 370 हटाना ही विकल्प। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के घोषणा पत्र को एक व्यक्ति की आवाज़ करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि इसे बंद कमरे में तैयार किया गया है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है। उन्होंने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र लंबे विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है और उनमें जनता की आवाज शामिल है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस का घोषणा पत्र विचार विमर्श के माध्यम से तैयार हुआ है। इसमें 10 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों की आवाज शामिल है। यह समझदारी भरा और प्रभावशाली दस्तावेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मायावती कहती है कि उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए, बाकी के वोट नहीं चाहिए, तो बाकी के वोट भाजपा को चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में जिस तरह जोगेंद्र मंडल ने दलितों संघ विश्वासघात किया था, मुख्यमंत्री सोमवार को पश्चिमी यूपी के 3 जिलों बिजनौर, मुजफ्फरनगर शामिल और बागपत में रैलियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जय और वंदे मातरम के साथ संबोधित की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मायावती को अगर सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए तो स्वाभाविक है दूसरा वोट भी अपना तय कर लेगा कि हमें कहां जाना चाहिए। बिजनौर में उन्होंने कहा कि यहां की सीट में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें प्रभावित होगी, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि उनमें कि अपने वोट का सही उपयोग करें। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। पहले चरण में 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश समेत 20 राज्यों में 91 सीटों पर मतदान होगा। वहीं बसपा ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें धौरहरा से अरशद अहमद सिद्दकी, सीतापुर से नकुल दुबे, मोहनलालगंज से CL वर्मा, फतेहपुर से सुखदेव प्रसाद, केसरगंज से चंद्रदेव राम यादव के नाम शामिल है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।